क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने लगातार तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को धो दिया और 90 रन से करारी मात कीवियों को दे दी और सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। अब इस मैच में हिटमैन ने 3 साल बाद शतक लगाया तो रन मशीन बन चुके गिल ने भी एक बार फिर से सैकड़ा ठोक दिया और स्कोर को 385 तक पहुंचा दिया। मगर इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी भारतीय टीम हार जाती। जी हां, न्यूजीलैंड की पारी के 25वें ओवर तक कुछ ऐसा ही लग रहा था और साफ साफ न्यूजीलैंड की टीम जीत की तरफ जाती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर 26वें ओवर में गदर हो गया, कमाल हो गया, धमाल हो गया और शार्दुल ठाकुर ने पूरा गेम ही बदल दिया, पलट दिया। और इसीलिए तो रोहित ने शार्दुल को जादूगर कह दिया, तो वहीं उस 26वें ओवर को मैच का टर्निंग पॉइंट बता दिया और इसीलिए शार्दुल ठाकुर को मैन ऑफ द मैच का खिताब भी गया। तो दिखाते हैं आपको क्या हुआ 26वें ओवर में। आप इस वीडियो को शेयर करें और शार्दुल ठाकुर पर उनकी बॉलिंग पर कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और बैटिंग के लिए स्वर्ग इंदौर के पिच और आउटफील्ड पर ताबड़तोड़ रन बनाए। दोनों ही ओपनर्स रोहित और गिल ने शतक लगाए, तूफानी अंदाज में बैटिंग की। उधर भारत का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कच्चा खा गया, नहीं तो इंदौर के होलकर स्टेडियम में 450 रन बनना तय दिख रहा था, क्योंकि बॉलर्स के लिए विकेट पर कुछ था ही नहीं। अब जब 386 रन के टारगेट को हासिल करने न्यूजीलैंड की टीम उतरी तो भले ही पहले ही ओवर में झटका लग गया, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और कीवी बल्लेबाजों ने ठीक वैसा ही जवाब दिया जैसा भारतीय बल्लेबाजों ने किया था, क्योंकि पिच में बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। रन ताबड़तोड़ बन रहे थे, चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। ड्वेन कॉनवे ने पहले हेनरी निकोलस और फिर डेलन मिचेल के साथ ताबड़तोड़ रन बनाए। अब 25 ओवर के बाद हालात ये थे कि न्यूजीलैंड की टीम के 184 रन बन चुके थे और सिर्फ 2 विकेट आउट हुए थे। और 25 ओवर के बाद भारत की बात करें तो भारत का स्कोर भी 200 के पास ही था, यानी कि दोनों ही टीमें लगभग बराबरी पर थी और यहां पर टीम इंडिया मुश्किल में थी। 385 रन बनाने के बाद भी सामने हार दिख रही थी, साफ साफ दिख रही थी। लेकिन यहीं पर कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा दांव खेला। रोहित ने शार्दुल ठाकुर को बॉल थमा दी। जी हां, 26वां ओवर शार्दुल ठाकुर को थमा दिया और सामने थे डेरिल मिचेल। शार्दुल ने ओवर की पहली बॉल पटकी भी डाली, बाउंसर बॉल पर मिचेल ने शॉट मारने की कोशिश की लेकिन चूक गए और बॉल विकेट कीपर किशन के पास चली गई। अब बॉलर शार्दुल और विकेट कीपर ईशान किशन ने जोरदार अपील की लेकिन अंपायर ने नकार दिया, मगर तुरंत ही रोहित शर्मा ने रिव्यू ले लिया। अब थर्ड अंपायर ने जैसे ही देखा तो साफ साफ दिखा कि बॉल ग्लव्स में लगकर कीपर के पास गई और अंपायर ने आउट दे दिया। जी हां, शार्दुल ठाकुर ने यहां पर बड़ी स्ट्राइक कर दी थी, जो कीवी जोड़ी भारत से मैच छीन रही थी, मैच को भारत से दूर लेकर जा रही थी, उसी जोड़ी को शार्दुल ने तोड़ दिया और डेरिल मिचेल को यहां पर आउट कर दिया। मगर ये तो सिर्फ ट्रेलर था। जी हां, असली मजा, असली टर्निंग पॉइंट तो अभी बचा हुआ था। जी हां, नए बल्लेबाज कप्तान टॉम लेथम मैदान में आए और लगा कि अब टॉम लेथम यहां पर कूटेंगे, क्योंकि बाएं हाथ के लेथम यहां पर बेहतरीन फॉर्म में है पिछले कई दिनों से, कई महीनों से। तो यहां पर टॉम लेथम के लिए पहली बॉल पर शार्दुल ने बेहतरीन ब्लफ कर दिया। जी हां, शार्दुल ने नकल बॉल डाली, डिप होती हुई बॉल सीधे लेथम के पास गई, लो फुल टॉस हो गई और उस पर लेथम कुछ कर नहीं पाए। शॉट लगाने की कोशिश की तो मिड ऑफ पर खड़े हार्दिक पांड्या को कैच थमा दिया। जी हां, हार्दिक ने कैच पकड़ लिया, लगातार दूसरी बॉल पर दूसरा विकेट हो गया और शार्दुल ठाकुर ने यहां पर मैच पलट दिया था, मैच बदल दिया था, क्योंकि अब कीवी टीम का सबसे बड़ा बल्लेबाज कप्तान टॉम लेथम आउट हो चुके थे। मैदान में तहलका मच गया, फैंस झूमने लगे, क्योंकि अब भारत की जीत पक्की दिखने लगी थी। जो कीवी टीम अब तक भारी दिख रही थी, मैच में आगे दिख रही थी, वो अचानक बैकफुट पर आ गई, पीछे हो गई। हालांकि शार्दुल ठाकुर तीसरी बॉल पर विकेट नहीं ले पाए, हैट्रिक पूरी नहीं कर पाए, लेकिन शार्दुल के ये 2 विकेट कमाल के रहे और यही मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। लेकिन इसके बाद शार्दुल ने अपने अगले ओवर में ग्लेन फिलिप को आउट करके कीवी टीम की बची खुची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। मगर ये 2 विकेट खास से 26वें ओवर वाला कोहराम बेहतरीन था और शार्दुल के इसी ओवर ने न्यूजीलैंड की टीम को हरा दिया और यही टर्निंग पॉइंट भी साबित हो गया। शार्दुल के इसी प्रदर्शन और खेल की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया, क्योंकि बैटिंग विकेट पर इतनी शानदार बॉलिंग करना, टर्निंग पॉइंट्स विकेट लेना बेहद खास था और इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा भी शार्दुल ठाकुर के मुरीद हो गए, नतमस्तक हो गए। रोहित ने कह दिया कि शार्दुल मैजिशियन है, जादूगर है। जब भी पार्टनरशिप तोड़नी होती है, जब भी टीम मुश्किल में होती है, तो मैं शार्दुल को बॉल देता हूँ और शार्दुल विकेट निकाल कर देता है, हर बार विकेट निकालता है, इसीलिए वो जादूगर है।
अब इस मैच में तीन तीन शतक लगे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल के बाद ड्वेन कॉनवे ने भी शतक लगाए, लेकिन बात हो रही है सिर्फ शार्दुल ठाकुर की, क्योंकि बैटिंग पिच पर शार्दुल की बॉलिंग बेहतरीन थी, बॉलिंग कमाल थी, और शार्दुल ने 26वें ओवर का जो टर्निंग पॉइंट कमाल किया वो सबसे खास था। तो आपका शार्दुल की इस बॉलिंग पर क्या कहना है, इस टर्निंग पॉइंट पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो इंदौर के मैदान में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। हालांकि भारतीय टीम पहले ही सीरीज जीत चुकी है और पहले ही सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है, लिहाजा तीसरा वनडे मैच भारत के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और इसीलिए तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को ही आराम देने की बात आई, आराम देकर दोनों को रणजी मैच खिलाने की बात आई, जो कि अब होता हुआ भी दिख रहा है। जी हां, असल में पूरी बातचीत देखें कि पूरी बहस शुरू हुई पूर्व कोच रवि शास्त्री के बयान के बाद। जी हां, पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने पहले सिर्फ विराट कोहली का ही नाम लिया था और शास्त्री ने कहा कि विराट को तीसरा वनडे मैच खेलने के बजाय 24 जनवरी से ही शुरू हो रहे रणजी मुकाबले में दिल्ली की तरफ से खेलना चाहिए। रवि शास्त्री ने दलील दी कि विराट का व्हाइट बॉल फॉर्म वापस आ चुका है, वहां पर वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी रेड बॉल में विराट संघर्ष कर रहे हैं, वहां कॉन्फिडेंस उनका बहुत दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, और इसीलिए विराट को रणजी मैच खेलना चाहिए। साथ ही रवि शास्त्री ने कहा कि विराट को पिछले कुछ सालों में स्पिन खेलने में खासी दिक्कत हुई और इसीलिए विराट को रणजी मैच में जाकर स्पिनर्स को खेलना चाहिए, भारत की घरेलू पिचों में खेलना चाहिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। अब ये बात रवि शास्त्री ने विराट कोहली को लेकर कही थी, लेकिन यही बात रोहित शर्मा के लिए भी होने लगी। जी हां, रवि शास्त्री ने ही बाद में कह दिया कि रोहित को भी अपनी घरेलू टीम मुंबई से रणजी मैच खेलना चाहिए, जिससे कि रेड बॉल की प्रैक्टिस हो सके। अब पूर्व कोच ने कहा तो मामले पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई और इसी पर जो वर्तमान हेड कोच है राहुल द्रविड़, उनसे भी सवाल जवाब हो गया। जी हां, मीडिया के सामने आए राहुल द्रविड़ से रोहित और विराट के रणजी या फिर घरेलू टूर्नामेंट खेलने पर सवाल किया गया। अब यही पर राहुल द्रविड़ ने कुछ ऐसा कहा जिससे लगने लगा कि अब दोनों ही इंदौर वनडे मैच नहीं खेलेंगे, बाहर हो जाएंगे और रणजी मैच खेलेंगे। जी हां, राहुल द्रविड़ ने जवाब दिया कि मैं तो हमेशा इस बात की पैरवी करता हूं कि बड़े खिलाड़ियों को घरेलू मैच खेलने चाहिए, फिर वो चाहे रणजी मैच हो, विजय हजारे मैच हो या फिर सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट। राहुल द्रविड़ ने कहा कि वो हमेशा ही चाहते हैं कि रोहित और विराट जैसे बड़े खिलाड़ी घरेलू मैच खेलें, घरेलू मैचों में युवा खिलाड़ियों के साथ खेलें और उनको भी कॉन्फिडेंस दें और खुद भी कॉन्फिडेंट रहें। अब राहुल द्रविड़ का ये बयान आया तो इसके बाद इसके चांसेस ज्यादा बढ़ गए कि विराट और रोहित रणजी मैच खेलेंगे, टेस्ट मैचों की तैयारी करेंगे। हालांकि अभी तक कंफर्म खबर नहीं आई है, लेकिन राहुल द्रविड़ के बयान के बाद संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है कि तीसरे वनडे मैच में दोनों ही खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि विराट और रोहित शर्मा तीसरा वनडे मैच छोड़कर रेड बॉल क्रिकेट खेलने जाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज सबसे बड़ी सीरीज है, कंगारू को कुचलना बेहद जरूरी है और इसके लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों को ही तैयार होना होगा, रेड बॉल में खुद को साबित भी करना होगा। तो आपका क्या मानना है, क्या विराट और रोहित को रणजी मैचों में जाकर खेलना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।